हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो कल जो हमने पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया था, अभी उसका एक पार्ट अपलोड हुआ था, दूसरा पार्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद जो आज हम आपके लिए एमसीक्यू की सीरीज लेकर आए हैं, फिर वो आपको वॉच करना है, ठीक है ना। बिना चैप्टर पढ़े हुए आप अगर एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं तो भाई ये सबसे बड़ी गलत बात है, क्योंकि आप तुक्के भिड़ाने वाले हैं फिर ना। आपको सही आंसर कब आएगा, जब आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए हों, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो आपके टर्म फर्स्ट में आ रहा है, उसके बाद हम एसिड बेस वाले का भी एमसीक्यू लेकर आने वाले हैं, और जो भी आपके टर्म फर्स्ट में चैप्टर आ रहे हैं उन सभी में एमसीक्यू, यानी आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और उसके बाद आपके एसिडेशन रीजन वाले क्वेश्चन वो कैसे आते हैं, और फिर उसके बाद केस स्टडी वाले क्वेश्चन, तो सारे के सारे हमने सब इसमें इन्वॉल्व किए हैं, वो सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, जो भी आपको एमसीक्यू यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनको अपनी कॉपी में भी नोट करते रहना है, ताकि कल को अगर आप रिवीजन कर सके और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का जो सीरीज अभी यहाँ पर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर को हम लेकर चल रहे हैं। तो भाई देखो, पहले चैप्टर में जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, यानी इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिनमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सर केमिकल रिएक्शन होती क्या है। बेटा एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई दो सब्सटेंस हैं, वो आपस में मिल रहे हैं और एक नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर इन चार ऑप्शन में से किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है, अगर इन चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, उसका राइट आंसर कहलाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कहता है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। बोलता है कि गैस सिलेंडर में हमने प्रेशर से क्या किया है, स्टोर किया है, किसको, ऑक्सीजन गैस को। अब मुझे ये बताओ इसमें कौन सा दो सब्सटेंस वर्क कर रहे और कौन सा नया प्रोडक्ट बना रहे, कुछ नहीं हो रहा ना ऐसा, तो बेटा ये आंसर तो नहीं होगा, क्लियर। चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ठीक है भाई। यहां पर देखो एयर, ये भी इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनना और कोई भी दो नए सब्सटेंस आपस में वर्क नहीं कर रहे, तो बेटा ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन पर चले, कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डेस इन दी ओपन। अब बताओ ये ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं। कोई दो सब्सटेंस वर्क कर रहे हैं क्या, रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो भाई ये कैसे ऑप्शन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो सर अब कौन सा बचा, अब जो तीन जब यहां पर आपके नहीं है तो भाई जो बच गया वही उसका आंसर हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। यस, इट इज राइट आंसर। क्योंकि ना अगर आप कॉपर को हीट करते हो, ठीक है ना, किसके, एयर के प्रेजेंस में, तो भाई कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है ना, Cu+O2 आपका CuO का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। और वो कैसा चेंज होगा, वो बेटा केमिकल रिएक्शन उसमें हो रही होगी। सर क्या हो रही होगी बेटा, केमिकल रिएक्शन उसमें सो हो रही होगी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, Cu+O2 को हमने हीट किया, CuO का इसने फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। ट्वाइस यहां लगा दीजिए, ट्वाइस आपका यहां लगा दीजिए, तो भाई इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। यस सर हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ तो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए भाई बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वाह सर क्या बताए। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है, क्विक लाइम से H2O रिएक्शन कर रहा है और स्लेग्ड लाइम का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मेशन कर रहा है, CaOH का होल ट्वाइज होता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें से ये बोला गया है कि ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, यानी ये कौन सी रिएक्शन है। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन बताई थी ना, जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये बताया था, तो सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, ठीक है ना। तो भाई यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो पहला ऑप्शन आपको दिया है, बोला है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है,
सेकेंड ऑप्शन आपसे बोला गया है क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, थर्ड ऑप्शन आपसे ये बोला गया है क्या ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, और फोर्थ ऑप्शन आपसे बोला गया है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। भाई आप सही आंसर तभी दे पाओगे जब आपको इन चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, ये जो रिएक्शन दे रखी है ये जब आपको अच्छे से पता हो। अब बेटा अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना कि दो सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस क्या होता है, पावरफुल होता है, वो दूसरे सब्सटेंस को वहां से हटा देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है। अगर किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है तो दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर बेटा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बेटा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वीडियो को जरूर वॉच करिएगा अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। क्लियर। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या बोला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई दो आपके रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसा हो रहा है यहां पर, हाँ ऐसा तो हो रहा है भाई, दिख रहा है ना। देखो बेटा CaO H2O कंबाइन हो रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, इट मीन स्लैग्ड लाइम का ये फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है, दैट यस दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है भाई। तीसरा ऑप्शन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो डीकंपोजिशन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दो, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो चीजें कंबाइन होके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही हैं, और अगर हम डीकंपोजिशन की बात करें तो उसमें जो आपका एक सब्सटेंस है ना वो डीकंपोज हो जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। क्लियर, तो बेटा जस्ट इसका उल्टा होता है, रिवर्सिबल अगर बोल देंगे ना इसका तो उसको डीकंपोजिशन बोला जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। अब बेटा क्या इसमें ऐसा हो रहा है, नहीं सर ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ, तीसरा ऑप्शन भी नहीं हुआ, दो ऑप्शन तो कट हो गए भाई, एक कॉम्बिनेशन बचा है, ये होगा, इट इज राइट। अब फोर्थ ऑप्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट का इवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। और ऐसी अगर कोई रिएक्शन है जिसमें से हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। और एक इसका उल्टा होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज नोन एज एंडोथर्मिक, एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट इज नोन एज एक्सोथर्मिक। क्लियर, तो बेटा देखो इस रिएक्शन में ना प्यारे बच्चों, मैंने आज जब आपको रिएक्शन उस चैप्टर में पढ़ाया था तो मैंने आपसे ये बोला था कि भाई जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना इसमें थोड़ा एस्ट्रो मिलाइए, और जैसे ही आप इसमें एस्ट्रो मिलाएंगे तो थोड़ी टाइम बाद अगर आप देखते हैं जिस बीकर में आपने उसको मिलाया है ना, वो बीकर आपका हॉट होने लगता है, वो गर्म हो जाता है, यानी क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। बेटा वो बीकर जो गर्म क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसमें से हीट का इवोल्यूशन हो रहा होगा, और जब हीट का इवोल्यूशन हो रहा है तो वो कैसी रिएक्शन होगी बेटा, एक्सोथर्मिक। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ, किसी ऑप्शन में अगर ऐसा है कि सेकंड और फोर्थ, तो वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कौन सा आंसर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सेकंड भी राइट आंसर है और फोर्थ भी राइट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर हीटेड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर लॉस्ट। ओके बेटा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला बेटा ये होता है FeSO4.7H2O, ये होता है, ठीक है। जब इसको हीट किया जाता है तो ये FeSO4 तो अलग बना देता है और प्लस ये 7H2 मॉलिक्यूल्स का इनको बेटा अलग आपका लॉस कर देता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई ये कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का लॉस करता है, तो बेटा देखो कितने का कर रहा है, सर 7 का कर रहा है, कितने का कर रहा है, 7 का कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में। बेटा बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक तो बनता है ना प्यारे बच्चा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत लाजवाब जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस स्लैग्ड लाइम, क्विक लाइम, लाइम वाटर या कॉस्टिक सोडा। बोल रहा है कि अगर हम लाइमस्टोन को क्या कर दें, हीट कर दें, तो भाई क्या बनेगा, क्या प्रोड्यूस होगा। तो ध्यान से सुनना,
पहले चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि लाइमस्टोन कहते किसको है। बेटा लाइमस्टोन बेटा CaCO3 को बोला जाता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है। जब आप इसको हीट करते हो ना, जब आप इसको हीट करते हो बच्चा, तो ये CaO दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड एज वेल एज CO2 का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? CO2 का फॉर्मेशन बोलता है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और इसी को ही प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? क्विक लाइम इसको कहा जाता है। तो भाई क्या प्रोड्यूस करेगा? क्विक लाइम का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर बेटा? हर एक क्वेश्चन का मैं यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो बेटा इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो भाई आएगा नहीं, और अगर आएगा नहीं तो भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस चीज का आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न्स विथ अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर इट। गलत है भाई ये, हमेशा ध्यान देना। पॉप साउंड कौन करता है? हाइड्रोजन गैस करती है भाई। कौन करता बेटा? हाइड्रोजन गैस करती है। लेकिन इसने बोला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसने क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोला, तो भाई ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये आपका देखो ना, बोला कि स्टेटमेंट सही है बोला बेटा, गलत स्टेटमेंट हो गया ना प्यारे बच्चा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो पॉप साउंड करता ही नहीं है। पॉप साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस करती है, ठीक है ना। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस आपका राइट आंसर, क्योंकि गलत है भाई स्टेटमेंट आपका। आपका हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है, वो पॉप साउंड करती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है कोई भी पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। क्लियर? चले बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, लाजवाब, बहुत मस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो जस्ट अभी जो हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा था, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इसका पूछने का जो तरीका है वो बदल दिया गया है। देखिए क्वेश्चन जो होते हैं ना बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। जैसे देखिए अभी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, उसका लैंग्वेज कुछ और था, जबकि दोनों का आंसर एक है, ठीक है ना। और यहां पर इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जो आपको क्विक लाइम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कब बनता है? जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तब बनता है। तो बेटा CaCO3 को अगर आपने क्या करा, हीट करा, तो भाई क्या बना? हमने इसको हीट कर दिया तो हीट का साइन हो गया, ठीक है। और क्या बनता है आपका? अभी बताए थे ना आपको, CaO बनता है प्लस आपका CO2 का फॉर्मेशन होता है, इसको हम क्विक लाइम कहते हैं, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इनमें से ये पूछा गया है कि बताइए ये कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो जो डीकम्पोजिशन होते हैं ना, वो भी बेटा दो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका थर्मल होता है, एक आपका फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन होता है। ये सारी की सारी रिएक्शन में बता चुका हूं पहले, ठीक है। तो भाई देखो यहां पर ये हीट का साइन दिख रहा है ना, किसका साइन दिख रहा है? हीट का साइन दिख रहा है। तो अगर हीट का साइन होगा तो समझ जाना थर्मल होगा बेटा। पहचानोगे कैसे? अगर हीट का साइन होगा तो थर्मल होगा, अगर ऊपर से सनलाइट लिखा होगा तो फोटोकेमिकल होगा, ठीक है। इस चीज का याद रखिएगा, अगर ये चीज समझ में आ गई तो बेटा आंसर बिल्कुल सही करके आओगे। तो भाई किसका साइन है? हीट का साइन है। तो आंसर कौन सा होगा? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर? समझ रहे हो ना? यस सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए वेरी गुड बेटा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है, देखते हैं क्या कहा गया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर इज अ कंपोजिशन, नहीं बेटा कॉम्बिनेशन, क्या बोल लिखा है, डीकम्पोजिशन होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन है बेटा, ठीक है ना। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है, लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वॉटर। अब वो ये बोल रहा है कि जब H2O का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो भाई हाइड्रोजन बनता है और ऑक्सीजन बनता है, और पूछा में मोल रेशियो कितना होता है वो फाइंड आउट करिए।
तो बेटा देखो, अगर इस तरीके का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है प्यारे बच्चों। अगर आप कितने बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे ना, सर H2 में कितना होता है, सर दो आपके हाइड्रोजन हो गए और इसका मास इसको कर दो, सर 1:8 हो गया। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, ये गलत आंसर है भाई। ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए H2O है प्यारे बच्चों, ये क्या है, लिक्विड स्टेट में है, है? यस सर। अब इसका क्या किया जा रहा है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है इसका, इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया जाता है ना बेटा, एक बीकर लेते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड डालते हैं, दो मेटलिक इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, एक को कैथोड बोला जाता है और एक को एनोड कहा जाता है। फिर दोनों को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं, तब जाके इनका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो भाई अब ये बोला है कि इसमें क्या बनता है बच्चों, H2 अलग हो जाता है और आपका O2 अलग हो जाता है। तो बेटा यहां पर देखो, ये हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऑक्सीजन आपके यहां पर देखो ऑक्सीजन एक है ना और यहां दो है, तो इसलिए यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, तो दो हाइड्रोजन आप इधर भी लगा दोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर। अब आपसे ये पूछा गया कि भाई जो प्रोडक्ट में आपका बना, ये गैसेस के फॉर्म में होगा, गैसेस गैसेस, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो प्रोडक्ट में आपका हाइड्रोजन गैस बना और जो ऑक्सीजन गैस बना, ठीक है, इसका मोल रेशियो कितना है। तो ध्यान से देखोगे, हाइड्रोजन के हैं यहां पर 2 मोल, कितने मोल है सर, 2 मोल है। अच्छा, ऑक्सीजन के आगे कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, और जिसके आगे नहीं लिखा होगा इसका मतलब उसके आगे 1 होगा। तो बेटा यहां पर आप क्या करिए, 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो भाई ऑक्सीजन के कितने मोल हो गए, 1 मोल हो गए, और आपसे पूछा क्या था, इनका रेशियो पूछा था, तो भाई 2:1 कितना आया आंसर, 2:1 आंसर आ गया। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2:1 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर, चलिए बहुत मजा आ रहा है ना बेटा, हर एक क्वेश्चन को आप डीपली समझोगे, रटना नहीं है बेटा, क्योंकि रटोगे ना तो MCQ कभी नहीं आएंगे। क्लियर ना बच्चों, बहुत अच्छी बात है बेटा, तुक्का नहीं बिड़ाना है, जो भी क्वेश्चन है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट छिपा है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक ये समझ में नहीं आया तो बेटा MCQ करने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर, चलिए बच्चा बाटी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लो भाई, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ सनलाइट, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सनलाइट के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, KBR नहीं होता है, ना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और ना ही NaCl होता है। बेटा ध्यान रखिएगा, AZBr एक ऐसा कंपाउंड है प्यारे बच्चों, अगर हम इसके ऊपर सनलाइट लगा देते हैं, अगर हम इसमें सनलाइट लगा दें तो डिकम्पोज हो जाता है Ag+Br2 में, Br2 में डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन यहां पर ट्वाइस AZBr लिखना पड़ेगा, यहां पर भी आपका ट्वाइस हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को। और बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो अभी यहां पर कलर होता है ना प्यारे बच्चों, वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और जब ये आपका ब्रेक डाउन हो जाता है ना, जब डिकम्पोज हो जाता है तो इसका कलर हो जाता है ग्रे। कैसा कलर हो गया इसका, ग्रे कलर हो जाता है बेटा, डिकम्पोज होकर ऐसा होता है। क्लियर, समझ गए ना। तो बेटा देखो, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, AZBr ऐसा कंपाउंड है जो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, बहुत लाजवाब। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन द सनलाइट फॉर सम टाइम। ठीक है, अब ये बोलता है कि भाई सिल्वर जो आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, अगर उसको हम क्या कर दें, सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ टाइम के लिए रख दें तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो ध्यान से सुनिएगा तब चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज बेटा चीजें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बेटा देखो, सिल्वर क्लोराइड बोला है ना, यस, AgCl, ठीक है, क्या बोला है, इसको सनलाइट में रख देते हैं, तो बेटा रख दीजिए सनलाइट में, सनलाइट में रख दो ऐसे करके, ठीक है। अब जब सनलाइट में रख दिया तो बेटा ये एक तो Ag बनाएगा और एक ये Cl2 बनाएगा। अच्छा, कितने एजी बनाएगा भाई, देखो यहाँ क्लोरीन एक है ना और यहाँ क्लोरीन दो है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ट्वाइस AgCl हो जाएगा आपका। क्लियर, और ये ट्वाइस AgCl हो गया तो भाई ये अनबैलेंस्ड हो गया, तो 2 यहाँ भी लगा दो, ट्वाइस AgCl हो गया, आप तो सही हो गया। यस सर,
अब देखो ये रिएक्शन को आप देख के बताओ कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। बेटा एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो AgCl होता है ना प्यारे बच्चा, इसका यहां पर जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब हमें ये प्रोडक्ट में मिलता है तो इसका कलर होता है ग्रे। कैसा कलर होता है? ग्रे कलर होता है। क्लियर बच्चों, समझ रहे ना? तो बेटा देखो, एक तो ये पहली बात, डिकम्पोज हो रहा है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होगा, और दूसरा ये व्हाइट कलर से कन्वर्ट हो जा रहा है ग्रे कलर में, तो बेटा ये भी इसका आंसर होगा। तो भाई देखो आंसर कौन सा सही है। पहला ऑप्शन क्या है? व्हाइट सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू ग्रे क्लोराइड कंपाउंड। यस ऑफ कोर्स हो रहा है, तो भाई पहला ऑप्शन तो राइट बनता है, पहला ऑप्शन सही है। क्लियर? सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है? डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, ऑफकोर्स डिकम्पोज हो रहा है देखिए। और कौन सा डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अभी पहले भी बताया था थोड़ी देर पहले। क्लियर? अच्छा तीसरा ऑप्शन क्या बोला है? बोथ ए एंड बी टेक्स प्लेस। हाँ बेटा बिल्कुल, दोनों सही होते हैं, ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है। हो रहा है ना ऐसा? यस सर। और अगर लास्ट ऑप्शन देखते हैं डी, नथिंग हैपन, बेटा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड सर, मजा आ रहा है सर, लाजवाब हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, गजब का हो रहा है ना बच्चा पार्टी। यस सर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो भाई देखो, द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्राइट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ एक्स गैस। अच्छा जी, एक्स गैस बन रही है। आइडेंटिफाई एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमसे यह बोला गया है कि जो आपका लेड नाइट्रेट है, ठीक है, द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट ओके प्रोड्यूस करता है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ एक्स, आइडेंटिफाई एक्स, उस गैस को पहचानिए कह रहा है। तो बेटा लेड नाइट्राइट की बात कर रहे हैं ना, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, दैट इज कॉल्ड लेड नाइट्राइट। अब इसको क्या किया जाता है बच्चों? हीट किया जाता है। क्या किया जाता है इसको? हीट किया जाता है, यही तो कहा है ना। यस सर, तो बेटा क्या बनाएगा? एक तो ये PbO बनाएगा, ठीक है, और प्लस ये NO2 बनाता है, ठीक है बच्चों, और बेटा क्या बनाएगा साथ में? ये O2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया कि भाई वो कौन सी गैस बनती है और जो बेटा ब्राउन फ्यूम्स बनाती है, ये भी तो पूछा ना अभी। हाँ, जो ब्राउन फ्यूम्स बनाती है बेटा वो आपकी ये वाली गैस होती है। ठीक है, हमें जो हमें बेटा ऑक्सीजन गैस से मतलब नहीं है ना, हमें किससे मतलब है? प्रोडक्ट से। हमें एक्स को पहचानना है और उसने बोला कि एक्स ब्राउन फ्यूम्स बनाता है, तो बेटा वो NO2 बनाता है। वो कौन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो बनाती है। कौन बनाती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। यानी इन चार ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए भाई, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? यस सर, बहुत मजा आ रहा है सर, और कराइए ना बेटा। बिल्कुल बेटा, एक्सप्लेनेशन आपको देंगे हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन पर। लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द कार्बोनेट ऑफ, हाँ बेटा देखो क्या बोला है, द कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड इज अ व्हाइट सॉलिड, इट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए येलो सॉलिड ऑक्साइड एक्स। व्हाट इज एक्स? अच्छा जी, एक्स क्या है ये पूछा है भाई। देखो कह रहा है कि कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड, ठीक है, मेटल लेड PbCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, ये तो पूछा है। मेटल लेड डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, ये डिकम्पोज होता है क्या है और ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये आपका, हाँ बेटा लेड ऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा? तीसरा ऑप्शन एक्स आपका लेड ऑक्साइड हो जाएगा, सिंपल सा तो है ये। ठीक है भाई, तो देखा, तो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो आपका लेड है, कौन सा लेड आपका कार्बोनेट है, तो भाई लेड कार्बोनेट है, तो ध्यान से देखेंगे इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा भाई। एक तो उसने प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी बता दिया है क्वेश्चन में, तो सेकंड प्रोडक्ट क्या बनता है वो चेक कर लेते हैं। देखिए लेड कार्बोनेट है बेटा, तो PbCO3, एक मिनट रुकिए, 2 नहीं आएगा बच्चों, इस 2 को मत लिखिएगा, ठीक है, एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। PbCO3, ठीक है, ये आपका क्या है? लेड कार्बोनेट है,
और इसको क्या किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है, ऐसा ही तो क्वेश्चन में कहा गया है ना, ठीक है। लेड इज व्हाइट सॉलिड एंड इट डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड, ठीक है, इसको हीट किया जा रहा है, और जब इसको हीट किया जा रहा है तो ये डिकम्पोज होता है किसमें, CO2 में, ठीक है बेटा। एक तो ये CO2 बना रहा है, ठीक है, और दूसरा कहा गया है एक येलो सॉलिड बनाता है जिसका नाम X होता है, तो भाई वो येलो सॉलिड बेटा PbO होता है, लेड ऑक्साइड होता है, जो कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है भाई, कैसे कलर का होता है, येलो सॉलिड वो होता है और उसका नाम होता है लेड ऑक्साइड। आप बताओ इसमें से वो जो X जो पूछा गया है दैट इज कॉल्ड X, X का नाम क्या है, लेड ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, क्लियर। तो बेटा हर एक क्वेश्चन को ना डिटेल से समझिए, अदरवाइज बेटा आप तुक्के भिड़ाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्लियर। चलिए भाई आगे चलते हैं, बहुत मजेदार हो रहे हैं सर, और बताइए सर। चलो बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है। तो बेटा देखो, अगर पहले रिएक्शन की मैं बात करूं तो डिजोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट का इवोल्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं ये लास्ट के तीन ऑप्शन देखता हूं तो इन तीनों में किसी में भी हीट का इवोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। यानी अगर हम क्या करें, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं और अगर हम वाटर में क्या करें बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला दें, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर मिला देते हैं तो बेटा हीट का इवोल्यूशन होता है। हीट क्या होती है, हीट का इवोल्यूशन होता है, और जहां हीट का इवोल्यूशन होता है तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोला जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सोथर्मिक उसको कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। चलो भाई मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, यस सर बहुत मजा आ रहा है सर, आगे पढ़ाइए सर, गजब का हो रहा है, क्लियर बच्चों, क्लियर हो गया है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आने हैं आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। व्हिच ग्रैनुल्स आर रिएक्टेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इवॉल्व। अरे वाह सर क्या बोले सर, ठीक है। रिएक्टेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक हो गया बेटा। अच्छा देखो, तो बेटा देखो कौन रिएक्शन करता है, रिएक्शन भी मैं आपको बताऊं बेटा, जिंक जो होते हैं, ठीक है ना, जिंक ग्रैनुल्स जो होते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड से अगर ये रिएक्शन करने लग जाए तो ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट का ये फॉर्मेशन करता है और एज वेल एज हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इवॉल्व, तो बेटा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चा, क्लियर है ना, यस सर बहुत अच्छी बात है। चलिए वेरी गुड वेरी नाइस, चलो बच्चा पार्टी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड इज ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग, यानी कौन सा ऐसा है जो भाई रेड इज ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग पे देगा। तो बेटा देखो अगर पहले को मैं चेक करता हूं तो FeCl3 अगर रिएक्शन करता है NH4OS से तो ये क्या बनाएगा बेटा, FeOS3 का ऑल्ट्राइज प्लस आपका NH4Cl बनाएगा, NH4Cl का ये फॉर्मेशन करता है। तो बेटा अमोनियम क्लोराइड इसने बनाया और ये आपका फेरिक फेरिक ट्राइहाइड्रोक्साइड इसने बना दिया। तो बेटा ये जो होता है ना, इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, कैसा कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। तो भाई कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, ये तो नहीं बनाएगा, ठीक है, ये भी नहीं बनाएगा और ये भी नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि इनका कंपाउंड ही अलग बन जाता है, क्योंकि हमको क्या बनाना है भाई, रेडिश ब्राउन जो बनाता है, रेडिश ब्राउन जो प्रेसिपिटेट बनाता है वो बेटा आपका ये वाला कंपाउंड बनाता है। ये रिएक्शन को मैं पहले आपको क्वेश्चन में करा चुका हूं और पढ़ा चुका हूं,
अच्छे से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? यस सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आ रहा है। यस सर, मजा आ रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ Fe2O3 प्लस Al के साथ कनेक्शन होता है, Fe बनाता है और Al2O3 ये बनाता है। तो अगर आप इसको देखेंगे भाई, कौन सा एग्जाम्पल है, पहला ऑप्शन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड देन फोर्थ क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें से आपको यह बताना है, ये चार ऑप्शन में से, कि भाई कौन सा ऐसा इसका एग्जांपल है जो क्या है, इसका राइट आंसर है। तो अगर आप देखते हैं Fe2O3 यहां पर Al से कंबाइन हो रहा है, और देखो यहां पर ना पहले पहले ऑक्सीजन के साथ आपका क्या था, आयरन था। ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ यहां पर पहले कौन है, आयरन है, और यहां पर इसके साथ Al आया है। लेकिन बाद में क्या होता है कि प्रोडक्ट में अगर आप देख रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया है, यानी क्या कर दिया, Al ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया। और जब एल्यूमिनियम ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए बच्चा बाड़ी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लाजवाब, वेरी नाइस। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, अगला क्वेश्चन बेटा बोलता है, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका इनकरेक्ट है, जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिया है मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो बेटा इसको चेक करने के लिए ना, ये आपके पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है प्यारे बच्चों। क्या बोलता है बेटा इसको, रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी भाई। अगर याद नहीं होगी तो बेटा आप बता नहीं पाओगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो बेटा इसको याद रखिएगा कि मैग्नीशियम जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, देन जिंक होता है, देन आयरन होता है, फिर बीच में हाइड्रोजन होता है, उसके बाद फिर कॉपर, उसके बाद फिर आपका एजी होता है, ठीक है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो करते हुए हम इन चार क्वेश्चंस के यहां पर आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो भाई देखिए, Mg इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो बेटा आप देखो Mg यहां है और हाइड्रोजन यहां, यस बिल्कुल होता है ना, क्योंकि Mg मोर रिएक्टिव एंड हाइड्रोजन है, यस। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, राइट है। सेकंड ऑप्शन क्या है, Fe इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जो आपका आयरन है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से। तो भाई चेक करते हैं, Fe ये हो गया और जिंक ये हो गया, यस ऑफ कोर्स है ना, देखो जिंक पहले है ना Fe से, यस सर। और अगर जिंक यहां पर Fe से पहले होगा तो दैट इज कॉल्ड लेस रिएक्टिव देन जिंक, यानी Fe क्या है, लेस रिएक्टिव है, और किससे है, जिंक से आपका लेस रिएक्टिव है। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर जो बी है प्यारे बच्चा, वो भी आपका यहां पर क्या हो गया, सही है भाई, ये भी सही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड ऑप्शन को देखता हूं तो Cu जो है, यानी आपका कॉपर जो है, वो मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। क्या कॉपर मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम है, चेक करते हैं। तो बेटा देखो, कॉपर ये हो गया और एल्यूमिनियम ही हो गया। कहा कि कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है, और किससे ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम से, ठीक है ना, किससे ज्यादा रिएक्टिव है, वो एल्यूमिनियम से रिएक्टिव है। तो भाई कॉपर आपका ये हो गया, एल्यूमिनियम आपका ये हो चुका है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर, अगर आप देख रहे हैं स्टेटमेंट में क्या कहा गया भाई, अगर आप देख रहे हो बेटा, ये गलत स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से पहले है, और अगर एल्यूमिनियम कॉपर से पहले होगा तो इसका मतलब यह है कि जो आपका एल्यूमिनियम होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, किससे होगा, कॉपर से होगा। लेकिन इसने उल्टा बोल दिया, इसने क्या कहा, कॉपर मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। लेकिन अकॉर्डिंग टू, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देख रहे हैं, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा निकल गया गलत ऑप्शन। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्लियर। अब देखो ये भी सही लिखा, एजी लेस रिएक्टिव देन कॉपर, बिल्कुल बेटा ये भी सही है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वेरी नाइस सर, मजा आ गया सर, गजब का हो रहा है सर, वाह बच्चों वाह। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, इसका आंसर
पीछे वाले क्वेश्चन में छुपा हुआ है, अभी बताऊंगा। जो भी मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन बताया था ना, तो इसका आंसर जो पीछे वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया था, सेम उसके अंदर है। सर कैसे है बेटा? बोला कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रॉड, यानी कॉपर रॉड को प्यारे बच्चों आप किसमें मिक्स कर रहे हो, आप किसमें मिक्स कर रहे हो, आपका डिप्ड इन आयरन सल्फेट FeSO4 में इसको मिक्स कर रहे हो। तो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है, बोला क्या होगा, बोला जब हमने इसमें इसको मिक्स किया तो क्या होगा। तो भाई देखो, कॉपर डिस्प्लेस आयरन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। थर्ड ऑप्शन, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फोर्थ ऑप्शन, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो बेटा अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो पहले के जो तीन ऑप्शन है वो तो आपके रॉन्ग आंसर है। जो आपका सही आंसर है वो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस है। सर कैसे, सर कैसे नो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गया? आ जाओ बच्चों पिछले वाले स्लाइड पर आ जाओ, अभी बता रहा हूं। देखो भाई, बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा ना कि बेटा देखो क्या कर, ये कॉपर जो होता है ना, ये Fe को बेटा डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। सर क्यों नहीं कर पाता है बेटा? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होता है देन Fe, ठीक है ना, देन Fe, ठीक है बेटा। देखो अगर इसने आयरन को डिस्प्लेस करना है तो बेटा इसका पावरफुल होना जरूरी है ना, तभी तो डिस्प्लेस करेगा। जब इसके अंदर कोई पावर ही नहीं होगी तो कहां से ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, नहीं कर पाएगा। तो सेम प्यारे बच्चों यहां पर भी यही होने वाला है कि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इट कैन नॉट बी डिस्प्लेस, ठीक है ना। तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। आप ये चेक कर सकते हैं, देखिए अगर आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है तो बच्चा ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर है ना आपका Fe क्या बेटा, मोर रिएक्टिव है। क्या है सर? मोर रिएक्टिव है। और भाई कॉपर इससे बाद में है ना, यस, यानी कॉपर क्या हुआ, लेस रिएक्टिव हो गया। और अगर कॉपर लेस रिएक्टिव हो गया तो मुझे बता दो ये कहां से डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बेटा यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। हाँ जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं Fe की और इसकी रिएक्शन करा दूं कॉपर सल्फेट से तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? यस सर इट इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज़ Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिकॉज़ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल बी पॉसिबल। ठीक है बच्चों, ये क्या होगी, पॉसिबल होगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बेटा यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? यस। तो बेटा देखो क्वेश्चन को ना डीपली समझा करो, उसको अच्छे से अगर आप समझोगे तो भाई कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप नहीं कर पाओगे। क्लियर? चलो बच्चा बाटी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है भाई, ध्यान से सुनना तभी चीजें समझ आएंगी। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू KI सॉल्यूशन, क्या होगा जब आपके क्लोरीन वाटर को ऐड किया जाएगा KI सॉल्यूशन में, यानी पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप किसको ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन वाटर को उसमें ऐड कर रहे हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, Cl2 आपके पास है और KI के साथ आपने इसको ऐड कर दिया, तो बेटा इसने K बनाना है, बेटा इसने KCl बनाना है और I2 का फॉर्मेशन करना है। तो भाई बता दो कौन सा सही आंसर होगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट A यानी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? समझ रहे ना बेटा? तो बेटा क्या बनेगा, I2 इज फॉर्म्ड बनेगा, बन रहा है ना I2 वहां पर? यस सर बिल्कुल बन रहा है सर, मजा आ रहा है सर MCQ करने में और आनंद आ रहा है। वेरी गुड। तो बेटा क्लास में ना आप इंटरेस्ट लिया करो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ा करो, तब जाके MCQ सॉल्व किया करो, तभी तो बेटा आप हमेशा कहीं पर गलती नहीं करोगे। क्लियर बच्चों? तुक्का नहीं भिड़ाना है, क्योंकि बेटा अगर तुक्का ही भिड़ाना होता तो बड़े बड़े इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं आज, उस एग्जाम्स को हर कोई क्लियर कर गया होता। लेकिन इसीलिए पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, देन आफ्टर MCQ सॉल्व करने हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है। वाह भाई वाह, देखो यहां देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, देन क्या बनेगा, बोला व्हाट हैपन, ठीक है। तो क्या बनता है, ध्यान से सुनो भाई। तो बेटा देखो NaCl रिएक्शन कर रहा है और बोला है आगे क्या बनेगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, Na(NO3) के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये बना देगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट
और प्लस सिल्वर का सॉल्ट बन जाएगा, यानी AgCl का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मुझे ये बता दो, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सोडियम नाइट्रेट है और AgCl है? तो बेटा ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है ना। चलो बच्चा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, तब चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। देखो, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड देन सेकेंड ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड देन थर्ड ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड देन फोर्थ ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं ना, ऐसी रिएक्शन को प्यारे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि दो कंपाउंड अपने जब आयन एक्सचेंज करते हैं ना, तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसा किसमें होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं लेक्चर में, ठीक है बेटा? तो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर से आके देख लीजिएगा, ये रिएक्शन आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्लियर? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाह सर, लाजवाब सर, मजा आ रहा है सर एमसीक्यू करने में। वाह बच्चों, मजा आना चाहिए। अच्छा बच्चा बाड़ी लाल गोपाल, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कहा गया है अगले क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना, तब चीजें समझ में आएंगी। क्या कहा गया है, द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, अरे वाह भाई, ठीक है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ओके, एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, ए येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, व्हाइट फिर लिखा है व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। ये कह रहा है कि भाई, बोला है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है किसके बीच में, आपके पोटेशियम आयोडाइड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन होती है, तो येलो प्रेसिपिटेट यहां पर आपका बनता है, किसका, लेड आयोडाइड का बनता है। अब ये कह रहा है कि जब हम इसी एक्टिविटी को दोबारा परफॉर्म करें, और मान लीजिए कि वहां पर लेड नाइट्रेट अवेलेबल ना हो, तो हम भाई किससे रिएक्शन कर सकते हैं इन चारों में से? तो बेटा अगर मैं बात करता हूं ना, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान सुन, तो लेड एसिटेट इसका आंसर होता है। क्यों, रिएक्शन करके दिखा देते हैं आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, ठीक है ना बच्चों। चलिए यहां ध्यान से देखिए, किसके साथ रिएक्शन करना है, डिस्प्लेस बिटवीन द एक्वस और पोटेशियम आयोडाइड, यानी Ke के साथ रिएक्शन करना है ना। चलो भाई, तो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, PbCS3CO का होल ट्वाइस, दैट इज कॉल्ड लेड एसिटेट, व्हेन रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड इट मींस Ke, तो क्या बनाएगा बच्चों, क्या बनाएगा बेटा, कौन बताएगा? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, तो बनाएगा बेटा PbI2 का फॉर्मेशन करेगा, दो आई यहां पर लगा दो, और क्या बनाएगा ये CS3COOK का फॉर्मेशन करेगा, यानी पोटेशियम एसिटेट इसने बना दिया है, ठीक है। और देखो यहां पर दो हो गया, तो यहां पर भी आप दो लिख दो भाई, PbI2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को? यस, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। तो बेटा ये प्रोडक्ट इसने बना दिया है, तो भाई देखो ये जो देखो बेटा, जब इससे रिएक्शन करता है ना, ध्यान से सुनना, जब आपका जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है किसके बीच में, पोटेशियम आयोडाइड, चलो मैं इसको भी लिख देता हूं एक बार ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और लेड नाइट्रेट के बीच में, यानी PbNO3 और किसके बीच में, आपका पोटेशियम आयोडाइड के बीच में, Ke के बीच में जब रिएक्शन होती है बच्चों, तो आपका PbI2 बनता है और साथ में आपका पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। और जो PbI2 होता है ना, ये आपका PPT होता है, और ये कैसे कलर का होता है, मैंने आपको बताया था, ये कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, कैसे कलर का, येलो कलर का होता है। तो वो कह रहा है कि मान लीजिए यहां पर ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये नहीं है, ऐसा आपका क्वेश्चन में कहा गया है, तो भाई हम यहां पर कौन सा ऐसा कंपाउंड यूज कर सकते हैं जिससे सेम आपका, जिससे सेम आपका कंपाउंड बन जाए, यानी आपका PbI2 ही बने और येलो PPD बने, ठीक है। तो भाई ऐसा कौन सा कंपाउंड हम यहां पर यूज कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर लेड एसिटेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए ना बच्चों? तो बेटा रटना नहीं है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बेटा इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्लियर हो गया है? चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है,
इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, फिर पहला ऑप्शन, अच्छा किसके बीच में हो रही है बेटा रिएक्शन, एक बार देख लेते हैं। द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट बोला है, तो Na2SO4 लिख लो, ठीक है, प्लस किसके बीच में, हाँ बेरियम क्लोराइड के बीच में बोला है ना, हाँ बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के बीच में। ठीक है, तो रिएक्शन बोला कि इन दोनों के बीच में हो रही है, तो भाई प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 बनेगा, और आपका नहीं सॉरी एक मिनट रुको, कि सोडियम सल्फेट तो है ही ना, एक मिनट रुकिए, तो बेटा क्या बनेगा, ध्यान से सुनोगे, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बनेगा, और आपका क्या बनेगा, हाँ NaCl बनेगा, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, NaCl के बन जाएंगे। ठीक है, ट्वाइस मॉलिक्यूल सब NaCl ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम सल्फेट क्लोराइड सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन ये कहा गया है कि एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, हो रहा है ना बेटा एटम का एक्सचेंज हो रहा है, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अभी BA क्लोरीन के साथ था, लेकिन आप देख रहे हो प्रोडक्ट में BaSO4 के साथ चले गया। ठीक है, ऐसे यहां पर सोडियम SA4 के साथ था, और प्रोडक्ट में देख रहे हो आपका जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ चले गया, तो बेटा पहला ऑप्शन तो सही है, पहला ऑप्शन नहीं बेटा, एक्सचेंज ऑफ एटम्स ठीक है, एटम नहीं बोलेंगे बेटा, ये गलत हो गया, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है प्यारे बच्चों, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि सोडियम क्या है बच्चों, आयन है आपका, सोडियम Na2 पॉजिटिव ना, ऐसे ही Na पॉजिटिव SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव, तो ये एक्सचेंज हो रहा है, एटम एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यानी सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, टेक्स प्लेस। फिर क्या बोला है, ए प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, यस दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट बोलते हैं, बेरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट होता है, और फोर्थ ऑप्शन कहा गया है एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है, यहां पर आपका बनता है, तो बेटा देखो यहां पर जो इसका अगर मैं आंसर बोलूं, थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है प्रेसिपिटेट तो नहीं बनता बेटा, प्रेसिपिटेट नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, अगर ऑप्शन नंबर सेकंड और हम बात करते हैं फोर्थ की, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ होता है बेटा, इसमें देखिए इनसॉल्युबल सॉल्ट आपका ये होता है प्यारे बच्चों, इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, NaCl आपका बन रहा है, और साथ में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, हो रहा है ना, अभी आपको बताया था, यस सर, यानी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जिस ऑप्शन के अंदर है वही इसका राइट आंसर है। तो बेटा चेक कर लेते हैं किसके अंदर है, किसके अंदर है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है ना, सेकंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाह सर, गजब का सर, मजा आ रहा है सर, वाह बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमें क्या कहा गया है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक, रिडक्शन एंड एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड एंडोथर्मिक, रिडक्शन एंड एक्सोथर्मिक। तो बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई, प्रोसेस ऑक्सीडेशन ना बेटा, ग्लूकोज के साथ आप देखते हैं रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होता है, ठीक है ना, क्या होता है बेटा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, और जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो भाई उसको क्या बोला जाता है बच्चों, उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और आपने पढ़ा है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना वो आपकी एक्सोथर्मिक भी होती है, होती है, यस सर, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें से इवोल्यूशन ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है भाई, तो बेटा ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक जिसमें होगा वही बच्चा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक होती है, कौन सी प्रोसेस, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। चलो बच्चों आगे चलते हैं, आगे देखो भाई, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्जर्व्ड। अब मैंने आपको बताया था ना, मैं जब लेक्चर आपको पढ़ा रहा था तो मैग्नीशियम रिबन के बारे में आपको अच्छे से मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। बच्चों अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ना तो बेटा व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना, वो आपका जब जब वो जलता है ना तो बेटा उसकी जो फ्लेम होती है व्हाइट फ्लेम की होती है, और जब वो जल जाता है तो उसका पाउडर बन जाता है जो व्हाइट कलर का होता है, कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो बेटा देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसमें ये लिखा है, मैग्नीशियम बर्न्स विथ व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, यस इट इज राइट आंसर, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, सेकेंड ऑप्शन में कुछ और लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए समझ में आ रहे हैं ना, यस बहुत अच्छी बात है,
वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है सर। वाह सर, एमसीक्यू बहुत करा दिया सर आपने, मजा आ गया। चलो बच्चा अगला देखो, द एडिशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन गिव्स ए प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा कौन सा एग्जाम्पल है ये बोला भाई, देखो फॉस्फोरस में आप क्या कर रहे हो बच्चों, ऑक्सीजन को एड कर रहे हो, ठीक है, और क्या बनेगा बेटा, P2O3 बनेगा, ठीक है, दो प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, एक P2O5 बनता है, मैंने बैलेंस नहीं करी है बच्चों, ठीक है, मैं आपको खाली जनरली बता रहा हूँ कि दो प्रोडक्ट बनते हैं, यानी बेटा इसमें सिंपली हो क्या रहा है, जनरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है सर, क्या हो रहा है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कौन बताएगा, ऑक्सीडेशन बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, देखो ध्यान से सुनना, तब चीजें समझाएंगे, अदरवाइज बेटा नहीं आएंगे, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, हाँ क्या बोला है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड यहां पर आपको दिया हुआ है और इसको हीट कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, किसमें, क्लोरीन से और 3O2 में, ठीक है, ये आपका ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताइए रिएक्शन का टाइप क्या है, मतलब ये रिडक्शन है या फिर ये ऑक्सीडेशन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है या फिर एक्सोथर्मिक है। तो बेटा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं ना तो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। अच्छा अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करता हूं, भाई हीट तो कहीं निकल ही नहीं रही है, ये भी नहीं होगा, यानी ये दो ऑप्शन है, इनमें से एक होगा, कौन सा, या रिडक्शन हो सकता है या फिर ये ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो भाई अगर यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो भाई यहां पर रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बेटा देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब देखो बेटा यहां पर क्लोरीन के पास, अगर आप यहां पर देखते हैं ना, क्लोरीन के पास अभी ऑक्सीजन था, ठीक है, पोटेशियम के पास अगर आप देखते हैं रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखें पोटेशियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। और बच्चों आपको पता है कि जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए बेटा वहां पर क्या होता है सर, वहां पर रिडक्शन होता है, या फिर हम जहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल दें वहां पर रिडक्शन होता है। तो सेम चीज तो आपकी यहां पर भी हो रही है ना, यस बिल्कुल हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भाई कहां लिखा है रिडक्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो कर लिए थे, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है, Fe आपका रिएक्शन कर रहा है H2O से और Fe3O4 बना रहा है, प्लस आपका ये H2 गैस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, H2 गैस का ये इवोल्यूशन कर रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, चार स्टेटमेंट आपको गिवेन है और कौन कौन से स्टेटमेंट आपके पास है। पहला आपसे ये बोला गया है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जो आपका आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी जो आपका वाटर है वो रिड्यूस हो रहा है। थर्ड ऑप्शन आपसे बोला गया है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो आपका वाटर है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन आपसे ये बोला गया है कि वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी आपका जो वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लियर। तो देखो इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम थोड़ा यहां पर नोट करते हैं और देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप बड़े आसानी से इसमें ये जितने भी आपके टॉपिक पूछे हैं आसानी से क्लियर कट कर सकते हो। चलो देखते हैं भाई, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो देखो भाई यहां पर अभी आप देखो रिएक्टेंट साइड में क्या आपके पास आयरन है और अकेला है, यानी इसके साथ यहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट साइड में इस आयरन को देखते हैं तो इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है। सर क्या हो जाता है, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, और अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर प्रोडक्ट में अगर आप देखते हैं कि H2O है, यहां पर आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ क्या है, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना,
थोड़ा दूर यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहां पर इसका आपका ऑक्सीडेशन हो गया पहले वाले स्टेप में, तो क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन दूसरे स्टेप में अगर आप देखते हैं कि H2O है, यानी हाइड्रोजन के साथ यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के साथ यहां पर क्या है, ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहां पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन बोलते हैं। देखिए रिडक्शन की दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, उसको कहा जाता है। तो सेम चीज यहां पर हो रही है, यानी इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, इसका इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यस ऑफ कोर्स, देखिए आयरन इसमें ऑक्सीडाइज हो गया है, तो भाई पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी वाटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बस सेकेंड ऑप्शन भी राइट है, ठीक है भाई। देखो H2O का रिडक्शन हो रहा है ना H2 में, ठीक है, तो H2O क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, वाटर इज एक्टिंग, जो आपका वाटर है इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी क्या वाटर ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है वो पता करते हैं। चलो पहले देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे पता करेंगे। देखिए आयरन का, ठीक है, Fe2O3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, H2O की वजह से हो रहा है, तो H2O क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। H2O क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्लियर। अच्छा इसके बाद देखो H2O का H2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, आयरन की वजह से हो रहा है, तो आयरन क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। आप बताओ क्वेश्चन में भी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन, अगर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं तो बोला वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है, इस क्वेश्चन को देखिए, नहीं है ना, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपका, आयरन है। तो भाई आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो तो रॉन्ग हो गया, जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया है। फोर्थ ऑप्शन पर चलते हैं, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए क्या वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यस बच्चों ऑफ कोर्स है। देखिए वाटर दिख रहा है ना यहां पर ऐसे करके, ये दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आंसर है, तो चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, लाजवाब। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग, यानी आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपको बताना है तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है, यह बताना जरूरी है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, बस बने रहिए, नोट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मैंग्नीज क्लोराइड बनता है एज वेल एज क्लोरीन प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि भाई देखो मैग्नीज है यहां पर आपके पास ना, मैग्नीज है, मैग्नीज अभी यहां पर किसके साथ है भाई, ऑक्सीजन के साथ है। अगर आप रिएक्टेंट में देख रहे हैं जो मैग्नीज है वो ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखिए मैग्नीज किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है। यानी यहां पर क्या हो गया बच्चों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। क्या हो गया है सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। और जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए बेटा उसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर, यस सर। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में आपका हाइड्रोजन है भाई, रिएक्टेंट साइड में आपका हाइड्रोजन किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है ना, यस। अब प्रोडक्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, वाह भाई वाह। यानी प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्लियर। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमको क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा, क्या पूछा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है। तो देखो भाई कैसे बताओगे, तो बेटे यहां पर चीज ध्यान से देखिएगा कि मैग्नीज ऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में रिडक्शन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, HCl की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है,
HCl की वजह से हो रहा है, तो HCl क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। HCl क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो HCl का H2O में ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर आप देखते हैं वाटर में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और सर किसकी वजह से होता है? तो बेटा आप बोलोगे मैंगनीज ऑक्साइड की वजह से होता है। बेटा अगर ये मैंगनीज ऑक्साइड यहां पर नहीं होता तो क्या ये HCl अकेला ही H2O में रिड्यूस हो जाता? नहीं होता। क्लियर? तो बेटा यानी यहां पर क्या होगा कि जो मैंगनीज ऑक्साइड होगा, ठीक है, वो यहां पर क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सर क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको बोलेंगे। क्लियर? तो भाई देखो इसका राइट आंसर कौन सा है? MnO2 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लाजवाब, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा इन द इक्वेशन Pb3O4 + 8HCl और PbCl2 + Cl2 + 4H2O, ठीक है, द सब्सटेंस Pb3O4 एक्ट एज, यानी ये क्या बना रहा है आपको ये बताना है। चलिए भाई पहले तो रिएक्शन को लिखना पड़ेगा यहां पर ना, समझने के लिए प्यारे बच्चों, नहीं तो बेटा सब गड़बड़ करके आओगे। पहले अच्छे से समझो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, देन तब आप फाइंड करो कि भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पर टिक करके मत आ जाना भाई। चलिए ध्यान से सुनिए। तो बेटा देखो लेड को देखो, यहां पर लेड है ना आपके पास, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं ऑक्सीजन इसके पास है, बड़े मजे से अभी यहां पर है। यस सर। प्रोडक्ट साइड में देखो क्या ऑक्सीजन इसके पास है? क्या ऑक्सीजन इसके पास है? नहीं है। यानी अगर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में लेड के पास ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हैं लेड के पास ऑक्सीजन नहीं है। इट मींस क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर यहां पर हो जाएगा रिडक्शन, हो जाएगा क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखिए हाइड्रोजन को देखिए, यहां पर हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन यहां पर किसके साथ है? अभी क्लोरीन के साथ है। किसके साथ है? क्लोरीन के साथ है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन किसके साथ है बेचारा? आप देखो ऑक्सीजन के साथ है ना। यस, यानी क्या हुआ बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। और जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? बताए थे ना आपको ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर? यस सर, बहुत मजा आ रहा है। और बेटा ऐसे ही मजा आना चाहिए, ठीक है। अब बताना क्या है कि ये किसकी तरह वर्क करता है? तो बेटा ध्यान से सुनना, देखो HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O में। क्लियर? HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें? H2O में हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? इसकी वजह से हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यही हमसे पूछा था शायद, ठीक है। तो भाई Pb3O4 क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया है? ठीक है। और भाई ये HCl क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि ये इसका रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। किसका? Pb3O4 का। किसमें? PbCl2 में। क्लियर? चलिए भाई लाजवाब, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है? आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी यहां पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है कि कौन यहां पर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो भाई चेक करते हैं, देखते हैं कौन है। देखो बेटा H2O है, F2 है, HF बना रहा है, प्लस HOF बना रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा तब चीजें समझाएंगे, दरवाजे नहीं आएंगे बेटा। क्लियर? ठीक है, ये शायद रिएक्शन में तो गड़बड़ लग रहा है कुछ। H2O प्लस F2HF, ठीक है बच्चों, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें शायद। चलो देख लेते हैं क्या गड़बड़ होता है, देख लेते, ठीक है। तो बेटा देखो यहां पर अगर आप देखोगे फ्लोरीन जो है अभी यहां पर, फ्लोरीन को चेक करिए, ठीक है। चलो पहले हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं, चलो पहले फ्लोरीन को देख लेते हैं बेटा, फ्लोरीन को देख लेते हैं। फ्लोरीन अभी यहां पर अकेले है। रिएक्टेंट साइड में अगर आप चेक करते हैं कि जो फ्लोरीन है वो अकेले है, है ना। यस सर। प्रोडक्ट साइड में देखिए फ्लोरीन किसके साथ है बच्चों? प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है भाई। किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। यानी बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज क्या बोलते हैं बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को? जल्दी से बताइएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन,
ठीक हो गया, क्लियर। इसमें क्या पूछा, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा ना, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो H2O, देखो ये H2O को देखो यहां पर, ठीक है भाई। हाइड्रोजन के साथ यहां पर क्या है बेटा, देखो यहां पर H2O है ना, आप यहां पर हाइड्रोजन के साथ देखो क्या है, ऑक्सीजन है। क्या बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं आप हाइड्रोजन के साथ आपका ऑक्सीजन नहीं है, है बेटा ऑक्सीजन नहीं है ना, यानी यहां पर क्या हो गया बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट साइड में इसके पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहां पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका ऑक्सीजन होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे सर उसको रिडक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको रिडक्शन बोलेंगे, क्लियर। अब बेटा देखो ऑक्सीडेशन पहचान लिया, रिडक्शन पहचान लिया, तो बेटा आप तो आप बता सकते हैं कि किसमें कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर इसमें राइट होगा। चले देखते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो देखो बच्चों आप यहां पर चेक करते हैं एक बार, देखो F2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें हो रहा है सर, HOF में हो रहा है, किसमें हो रहा है, HOF में हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, H2O की वजह से हो रहा है। तो बेटा H2O यहां पर क्या वर्क करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, क्लियर। चलिए अब देखिए ध्यान से कि जो आपका, सुनिए मेरी बात को, H2O है बेटा, जो H2O है, H2O का रिडक्शन हो रहा है, किसमें हो रहा है, HF में हो रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हो रहा है, और सर किसकी वजह से हो रहा है, तो बेटा F2 की वजह से हो रहा है, तो F2 क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कहलाएगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्लियर, इज दैट क्लियर, यस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, ठीक है। देखिए द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन है किसका टाइप है भाई, ध्यान से देखो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, PbO प्लस H2 प्लस H2O, कौन सी रिएक्शन है जो चेक करते हैं ना, ठीक है। तो बेटा देखो PbO है, ठीक है, प्लस आपका H2 है, और यहां पर Pb है, और प्लस ये H2 है। तो बेटा चेक कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो बुरी बात है। तो लेड के साथ यहां पर रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट के साथ यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, रिडक्शन उसको बोला जाता है, सर क्या बोला जाता है, रिडक्शन उस प्रोसेस को कहा जाता है, क्लियर। चलिए अच्छी बात है, अब यहां पर हाइड्रोजन को देखिए, अभी बेचारा अकेला है ना, कोई नहीं है ना इसके साथ, नहीं है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन के साथ कौन है, ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो हाइड्रोजन के साथ यहां पर आपका ऑक्सीजन होता है, होता है, यस सर। और अगर हाइड्रोजन के साथ यहां पर ऑक्सीजन है, यानी इट मींस क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, आप ही बताए थे ना, यस सर, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्लियर। तो भाई एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, किसमें हो रहा है, हाइड्रोजन में हो रहा है, क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, क्लियर हो गया। तो बेटा यानी इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी आपका रेडॉक्स जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्लियर, समझ रहे ना, देखो दोनों प्रोसेस हो रही है इसमें, तो भाई रेडॉक्स हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये नहीं कह रहे कि ऑक्सीडेशन पे टिक कर दिया, रिडक्शन पे आपने टिक कर दिया, नहीं तो गलत आंसर हो जाएगा, जब दोनों प्रोसेस हो रही है तो रेडॉक्स ऑप्शन दिया है तो रेडॉक्स पे टिक करोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द आयरन रॉड इज कन्वर्टेड इनटू रेड इज ब्राउन लेयर व्हिच डैमेजेस द सरफेस ऑफ रॉड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द डैमेज। ओके भाई, वो कह रहा कि भाई आयरन रॉड है, ठीक है, उस पर रेड इज ब्राउन, आपकी जो आपका जो रेड इज ब्राउन एक लेयर उसमें जम जाता है, जो क्या करता है, रॉड का जो सरफेस है उसको डैमेज करता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट इट्स डैमेज, तो बोला कि इनमें से कौन सा मेथड है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी जो डैमेज हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, बाय कन्वर्टेड इट विथ लेयर ऑफ बेस, यानी क्या करें कि भाई कवर्ड कर दे किससे,
आपका जो बेस है, कोई बेस ले लें, उसके लेयर अगर हम क्या कर देते हैं, उस आयरन रॉड पर लगा देते हैं, कवर कर देते हैं, तो भाई क्या आपका जो डैमेज है वो रुकेगा? नहीं बेटा, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। सेकंड देखिए, बाय कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ जिंक, यस दिस इज राइट आंसर बच्चों, ठीक है ना। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका ऐसा ये यहां पर देखो ब्राउन कलर बोला है ना, पहले इसको ध्यान से देखिएगा कि रेड इज ब्राउन कलर बोला बेटा, ये किसका होता है? रस्ट का ये कलर होता है, ठीक है ना। तो भाई अगर उसको रोकना है, वो डैमेज हो रहा है, तो भाई हम उसमें किसकी लेयर लगाते हैं बेटा? जिंक की लेयर लगाते हैं। और इस प्रोसेस का एक नाम होता है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगर किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर आप अगर ये लेयर ऐड कर रहे हैं, किसकी? जिंक की कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए कर रहे हैं? प्रिवेंटेशन के लिए, कि वो डैमेज ना हो, क्लियर। तो भाई इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केमिकली रस्ट इज, यानी बेटा रस्ट क्या होता है बेटा? फॉर्मूला बताया था ना, Fe2O3.XS2 बताए थे, यस सर। तो बेटा ये देखो, इसको क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा ये तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको कहा जाता है, क्लियर। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फूड आइटम्स मेड अप ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन गैस, ओके, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग रैंसेड। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो कह रहा है जो फूड आपके आइटम्स होते हैं, ठीक है, और आपके जो इनमें ऑयल्स और फैट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो खराब ना हो, इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, उनमें क्या किया जाता है बेटा? नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। तो बोल रहा है किस लिए नाइट्रोजन गैस का हम उसमें यूज करते हैं, और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग रैंसिड, यस, ताकि वो रैंसिड ना हो सके, यानी उसका रैंसिडिटी ना हो सके। तो बेटा ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है? टू प्रोटेक्ट देयर टेस्ट, यस बेटा, अगर वो रैंसिड हो जाएगा तो उसकी वजह से उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, आपने देखा होगा ना, ठीक है। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या है? टू मेंटेन द वेट ऑफ फूड, ये तो बेटा गलत हो गया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? टू एनहेंस देयर फ्लेवर, बेटा कहां से एनहेंस फ्लेवर हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा जिसमें फर्स्ट और सेकंड सही है। तो बेटा देखो फर्स्ट एंड सेकंड ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, क्लियर। चलिए भाई मजा आ रहा है ना? यस सर, मजा आ रहा है। तो बेटा वीडियो को लाइक तो बनता है, यस सर। चलिए बच्चों आगे ध्यान से देखिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, डैश डैश आर यूज्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड, यानी इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें हम यूज करते हैं, किस लिए? रेंसिडिटी, जो आपकी रेंसिडिटी है वो ना हो, यानी उसको बचाने के लिए, यानी उसका प्रिवेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो भाई ऐसा कौन सा है बेटा? मैंने आपको लेक्चर में बताया था ना, मैंने जब आपका केमिकल वाला चैप्टर पढ़ाया था, केमिकल रिएक्शन वाला जब चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि किस सब्सटेंस का हम प्रिवेंटेशन के लिए यूज करते हैं। तो बेटा उसका नाम होता है एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले बेटा, जो आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना बच्चों, ये क्या होते हैं आपके, आपकी ये एक तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन होने से रोक देते हैं बेटा। रेंसिड मतलब कब होता है कोई भी सब्सटेंस रेंसिड? जब फूड का एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है तो फूड खराब हो जाता है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, तो यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगर उसके ऑक्सीडेशन को अगर आपको रोकना है, तो आपको किसी ऐसे सब्सटेंस का यूज करना है जो उसका ऑक्सीडेशन होने से रोक सके। तो भाई कौन रोकेगा? जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, BHT ना, आपका जो ब्यूटाइल, आपका ये ब्यूटाइलेटेड हाइड्रेटेड, ठीक है ना, आपका टोलुइन था, ये आपका इसका क्या एग्जांपल है बच्चों? किसका? आपका एंटीऑक्सीडेंट का, ठीक है। तो जिसने चैप्टर नहीं देखा, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन उसको दिया है, तो एक बार उस बेटा अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया ना अच्छे से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, अगर वो आपने पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, देन अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो बेटा आप गारंटी ले लो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से दिए हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड और स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके भाई, भाई कौन सी यहां पर गैस का यूज किया जाता है स्टोरेज करने के लिए? किसका स्टोरेज? ऑयल का।
ठीक है, एक लंबे टाइम तक। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ना भाई ये तो नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ना भाई ये भी नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, ये भी नहीं होता बेटा। हीलियम और नाइट्रोजन, यस इट इज राइट आंसर प्यारे बच्चे, हीलियम और नाइट्रोजन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिकॉज ये जो गैसें होती है प्यारे बच्चों, इनर्ट गैसेस होती हैं। कौन सी गैसेस होती है? इनर्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन जो बेटा, आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपके एस्पिरेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो बेटा हमने एमसीक्यू में ना सभी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए, एस्पिरेशन रीजन भी लिए हैं, एमसीक्यू भी लिए हैं, और केस स्टडी क्वेश्चन भी इसके बाद आने वाला है प्यारे बच्चा, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा भाई, देखो एस्पिरेशन क्या बोला गया है, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। CaCO3 ब्रेक डाउन होता है, CaO प्लस CO2 बनाता है। यस बिल्कुल सही है बेटे बच्चों, ठीक है ना, यहां पर हीट का साइन होता है ऐसे, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था, और पीछे भी ये जो रिएक्शन है ना, अभी जो मैंने आपको एमसीक्यू पढ़ाए थे, और कितनी बार ये रिएक्शन आ चुकी है भाई, बहुत सारी बार आ चुकी है। तो अब तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही जो दोगे बेटा ना। तो बेटा देखो रीजन क्या बोला है, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है बेटा। देखो ये भी सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, कि जो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन होता है वो क्या होता है बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। लेकिन बच्चा ये जो है आपका थर्मल डीकंपोजिशन है, ठीक है। इस देखो ना, यहां पर ना इसने जो आंसर देना चाहिए था वो इसका देना चाहिए था, लेकिन इसने कोई दूसरा स्टेटमेंट दे दिया जो अपने आप में राइट है, और आपका एसरेशन भी राइट है। यानी बेटा होने को दोनों क्या है, राइट है, लेकिन जो आपका रीजन है दैट इज ए, ये क्या है इसका करेक्ट रीजन नहीं है, किसका, एसरेशन का, ठीक है ना। यानी अगर मैं कहूं कि भाई एसरेशन भी बिल्कुल सही है, रीजन भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसका, एस्पिरेशन का, क्योंकि ये थर्मल डीकंपोजिशन होता है। अगर वो थर्मल डीकंपोजिशन यहां पर कहता तब ये राइट आंसर होता, क्लियर। तो बेटा देखो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ना भाई ये तो नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस इट इज राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सी पर देखो, एस ट्रू बट आर इज फॉल्स, नहीं भी ये तो नहीं होगा ना, और एस ट्रू ये तो हो गया भाई, क्लियर। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही करना है, बी वाला ऑप्शन टिक करना है, और ऐसे करना है जैसे मैंने आपको बताया था, क्लियर। चलो भाई मजा आ रहा है ना, और भी ऐसे क्वेश्चन है, टेंशन ना लो बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो जो भी बहुत लाजवाब है भाई, देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, फोटोसिंथेसिस, एस्पिरेशन में कहा गया है फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ओके। रीजन क्या बोला है, एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बताओ भाई क्या आप बोला गया, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्या ये आंसर दे रहा है, ठीक है ना। यानी इसने बोला कि जो बेटा देखो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है ना प्यारे बच्चों, उसमें जो आपका एनर्जी होता है ना वो गेन किया जाता है, यानी उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और जहां पर प्यारे बच्चों आपको पता है हीट का एब्जॉर्प्शन हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोथर्मिक, क्या बोलते हैं उसको, एंडोथर्मिक बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देख रहे हो तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आंसर पर जाता हूं तो बोल दिया भाई एनर्जी गेट रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अभी हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में आपकी जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब होती है, लेकिन स्टेटमेंट जो दूसरा दे रखा रीजन का उसमें बोला कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके रिलीज हो रही है। तो बेटा ये तो, ये आपका जो रीजन है ना, ये जो रीजन में स्टेटमेंट दिया है ये अपने आप में गलत है भाई, ये खुद भी गलत है और ना ही ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है बेटा। देखो आपका ये जो फर्स्ट वाला आपका ट्रू है प्यारे बच्चों, लेकिन ये खुद में अपने आप में क्या है, गलत है। कौन, आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या बोला भाई, रिलीज्ड हो रही है बोला, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर ऊपर पहले क्या पढ़ा था कि भाई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वही तो होती है ना, यस सर। तो बेटा कौन सा इसका सही जवाब होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं बेटा ये नहीं होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बस यही होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि वह एस्पिरेशन सही है लेकिन जो स्टेटमेंट दे रखा है ना तो वो इसका रीजन है और ना वो स्टेटमेंट अपने आप में सही है, यानी वो खुद भी गलत है और ना ही वो एस्पिरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए वो अपने आप में भी गलत हो जाता है और ना ही वो उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। यानी आपका स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी एस्पिरेशन आपका बिल्कुल
ट्रू होता है तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा सर। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। यस सर, मजा आ रहा है। यस सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका Fe2 है एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन हो रहा है और Al2O3 प्लस Fe बना रहा है। यह भी हमने देखा था, रिएक्शन आप भी पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। द एबव केमिकल इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखिए, ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है कि जो आपका ये जो ऊपर रिएक्शन दिया गया है ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। बिल्कुल बेटा, ये जो एल्यूमिनियम है ना वो आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद उसकी जगह पर आ जा रहा है। ठीक है, अब रीजन क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम इज बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेस Fe फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है भाई। बेटा एल्यूमिनियम, कल मैंने आपको बताया था ना, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, प्यारे बच्चों, जो एल्यूमिनियम होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। किससे होता है? आयरन से होता है। इसीलिए वो क्या कर देता है, आपका आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका एस्ट्रेशन में जो स्टेटमेंट दिया है वो अपने आप में भी सही है। क्लियर। अच्छा, जो रीजन में आपको स्टेटमेंट दिया है वो भी अपने आप में करेक्ट है, बट क्या है कि जो आपका रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस्ट्रेशन। क्लियर। तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। एस्ट्रेशन आपका जो एस्ट्रेशन दिया, क्या दिया है, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, चेक कर लेते बच्चों। देखो यहां पर क्या Cu, ठीक है, कॉपर है भी यहां पर, ठीक है बेटा, CuO है, ध्यान दीजिएगा ये CuO है, लेकिन आप कॉपर के साथ देखो यहां पर क्या है भाई, ऑक्सीजन है। कॉपर के साथ यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है ना भाई, देखो आप ऑक्सीजन हट रहा है ना, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, यानी इसका क्या हो रहा है यहां पर सर, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। अच्छा यहां पर देखिए जिंक बेटा यहां भी अकेले है, ठीक है ना, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखो ऑक्सीजन उसके साथ है, और यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो भाई ये क्या सही बोल रहा है स्टेटमेंट, एस्ट्रेशन सही कर रहा है। देख लेते हैं, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर आपका रिडक्शन हो रहा है, यानी एस्ट्रेशन तो सही है भाई, एस्ट्रेशन में जो आपका स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल राइट है। चलिए आप रीजन का स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यस ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन होता है, वेयर एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यस बिल्कुल ये भी सही बोला है, यानी रीजन में जो आपका स्टेटमेंट दिया है वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यानी जो रीजन में स्टेटमेंट दिया है वो एस्ट्रेशन का करेक्ट भाई एक्सप्लेनेशन भी तो है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहते किसको है, जिसमें बेटा आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ठीक है, या फिर आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, और यहां पर सेम चीज वही तो हो रही है। तो भाई यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, शायद इसमें ऑप्शन नहीं दिए सर मेरे हिसाब से, ऑप्शन कहां है इसकी, अच्छा बेटा ऑप्शन नहीं दिए इसमें ना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे बेटा कि जो आपका एस्ट्रेशन है वो भी सही है, रीजन है वो भी सही है, और जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, यानी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, यानी किसका, ऑफ एस्ट्रेशन का। क्लियर हो चुका है, ठीक हो गया। अब चलते हैं एक केस स्टडी क्वेश्चन पर जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। चलो भाई क्या बोला है केस स्टडी क्वेश्चन को देखते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। यस ऑफ कोर्स, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, ऐसा भी होता है, बिल्कुल सही है। नॉट टू एटम्स डिसअपीयर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अपीयर फ्रॉम द एल्सवेयर, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ओके, रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन, ठीक है, रिएक्टेंट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही जवाब है भाई, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन आर रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू सिंपल कंपाउंड, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर वन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, बिल्कुल सही है। ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन
ठीक है, एंड एंड वन ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट आउट सेपरेट और सॉलिड, अनदर ऑफ रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन इन विच आपका इन विच साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, जो साइमल्टेनियस जो ऑक्सीजन होते हैं वो आपके रिडक्शन भी क्या होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। यानी ये तो पूरा आपको पहले क्या किया गया, एक पैराग्राफ जैसा दिया गया होगा। ठीक है, ये दैट इज आपका पैराग्राफ। ठीक है, अब ये केस आपको दिया गया है, इसके बाद इससे रिलेटेड आपके कुछ एमसीक्यू दिए होंगे और उनको आपको सॉल्व करना होता है। अगर आपने वो सॉल्व कर दिए तो आपका आंसर करेक्ट है भाई। देखो अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, सब समझना, सब चीजें समझ आएंगी, अदरवाइज चीजें आपको कुछ भी नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। ध्यान से सुनो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट बोला है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट यानी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो देखो CaO बेटा दैट इज कंपाउंड है और ये CO2 भी मॉलिक्यूल हो गया, ये तो आंसर नहीं होगा। क्लियर, चलो भाई। अच्छा SO2 ये भी मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर, थर्ड ऑप्शन देखो NH3HCl ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी आंसर नहीं होगा। बेटा एलिमिनेशन मेथड लगा दिया मैंने सीधे सीधे, ये अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं आया ना सीधे एलिमिनेशन मेथड लगा दो बस, अब जो बच गया वो उसका आंसर हो गया। बेटा Na अपने आप में क्या है, एलिमेंट। O2 अपने आप में क्या है, एलिमेंट। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, तो बेटा समझ में आ गया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द रिएक्शन Fe2O3 plus twice here, Al2O3 plus twice here, आपने देखा होगा इतनी बारी रिएक्शन आ चुकी है। The above reaction is an example of, अब बताओ भाई ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इतनी बार आ चुका है, अगर फिर भी नहीं बताओगे तो बेटा इसका मतलब तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, इस चीज की आप गारंटी ले लो। अब बेटा देखो पहला ऑप्शन क्या बोला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं भाई कॉम्बिनेशन तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल नहीं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। डीकंपोजिशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये भी नहीं है। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि क्या करता है एल्यूमिनियम या आयरन से क्या होता है, मोर पावरफुल होता है, मोर रिएक्टिव होता है, तो क्या करता है आयरन को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पर वो खुद आ जाता है। तो भाई ऐसा अगर किसी रिएक्शन में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द इक्वेशन Mg plus CuO MgO plus Cu represents, ओके बच्चों अब ये क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है भाई, ध्यान से सुनना। डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं बेटा, ये तो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाँ ये तो लग रहा है बच्चों ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी लग रहा है। ठीक है बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, ठीक है हो रहा है ना, यस बेटा देखो ना एफ, देखो यहां पर ये Mg था, मैग्नीशियम ने क्या कर दिया बेटा, देखो कॉपर ने क्या किया, मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद वो क्या कर गया बेटा, कॉपर की जगह पर आ गया और क्या बना दिया, MgO बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, MgO बना दिया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड तो करेक्ट है। क्लियर, थर्ड देखिए कॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं बेटा कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नहीं बच्चों ये भी नहीं है। क्या रेडॉक्स रिएक्शन है, चेक कर लेते हैं। Mg अकेला था, यहां देखा ऑक्सीजन के साथ है, तो भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लियर, अच्छा यहां पर देखिए CuO है रिएक्टेंट साइड में, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखेंगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको रिडक्शन कहा जाएगा, जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ऐसा कहीं पर हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन भी इसमें हो रहा है और रिडक्शन भी इसमें हो रहा है, यानी भाई ये कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड एंड देन फोर्थ जिसमें है वो बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी हाँ फिफ्थ ऑप्शन ना, तो सेकंड और फिफ्थ देखिए किसमें है भाई, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है इसमें है, ठीक है ना, सेकंड इसमें है और फिफ्थ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत मजा आ रहा है, यस सर, तो बेटा वीडियो को लाइक करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिशन, नहीं बेटा कंपोजिशन है, डीकंपोजिशन है, ठीक है ना, बहुत मिसप्रिंट किया भाई क्वेश्चन में, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है ये क्वेश्चन में कहा गया कि इनमें से कौन सा डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तो बेटा पहले रिएक्शन को देखो, HZO हीट के प्रेजेंस में डीकंपोज हो रहा है Hg plus O2 में। ठीक है दूसरे ऑप्शन में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपका हीट के प्रेजेंस डीकंपोज होके CaO
प्लस CO2 बना रहा है, यस ये भी डीकम्पोज है। थर्ड ऑप्शन में चेक करिए HGO इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है H2 प्लस O2 में, यस ये भी क्या है डीकम्पोज हो रहा है। तो यानी तीन के तीन जो रिएक्शन उन सभी में क्या हो रहा है डीकम्पोजिशन हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ये इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि तीनों रिएक्शन में क्या हो रहा है डीकम्पोजिशन हो रहा है। किसके बेटा अलग अलग यहां पर चीजें लेगी, ये उनके प्रेजेंस में हो रहा है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, CuO प्लस H2, H2O प्लस Cu, ओके रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, भाई ये कौन सा रिएक्शन है, देखो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। बेटा सिंथेसिस रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी, देखो इस पर तो सीधे एलिमिनेशन मेथड काम करेगा। क्या सिंथेसिस रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी पूरे चैप्टर में? नहीं पढ़ाई थी ना, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा। क्लियर, अच्छा न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाया था, यस लेकिन वो एसिड और बेस के बीच में होता था, तो बेटा यहां तो एसिड बेस कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं होगा। क्लियर, अच्छा क्या एनालिसिस रिएक्शन आपको पढ़ाई थी कोई? नहीं पढ़ाई थी, तो बेटा ये भी आंसर नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर ये भी समझ नहीं आता तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होता है अच्छे से बताया है, तो बेटा वो चेक कर सकते हैं। चलो ऐसे भी देख लेते हैं एक बार, कॉपर ऑक्साइड है प्रोडक्ट साइड में, अगर आप रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं कॉपर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखो आपके कॉपर के पास ऑक्सीजन है नहीं है, इसका मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज रिडक्शन। क्या बोलेंगे उसको? रिडक्शन बोलेंगे। क्लियर, इज दैट क्लियर? यस। अच्छा हाइड्रोजन के पास देखो अकेला है, यस सर। रिएक्टेंट साइड में अकेला है, यस सर। प्रोडक्ट में देखो आपका ऑक्सीजन है ना साथ में, यस सर। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा। और जहां पर और रिडक्शन ऑक्सीडेशन, देखो जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो जाए ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो भाई ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया, इतने सारे क्वेश्चन का आपको बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल गया है। तो आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगा दें, आप चाहे तो कॉन्सेप्ट से कर लें, आंसर दोनों का सेम आएगा। क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये थे आज के पार्ट केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशन, उसके सारे एमसीक्यू मैंने आपको सॉल्व करा दिए, और बहुत एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है कैसे उसको करना है क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, आपको जो पूरे क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एमसीक्यू आपको अच्छे लगे होंगे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और पास में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, उसको ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि जो आने वाली न्यू वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आपका जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेस वाला, उसके एमसीक्यू आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एसिड बेस वाले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय हिंद भारत।